शहर के साहपुर फीडर से दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 26 घंटे बाद बहाल हो पाई। शाहपुर क्षेत्र के नागरिक पानी तक के लिए तरस गए। विभागीय अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी हुए फॉल्ट का मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की जा सकी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बिजली विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की ठोकर लगने के कारण एक खंभा टूट गया था, जिसे मरम्मत कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने बातचीत के दौरान 2 घंटे के अंदर विद्युत आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन देर शाम 7 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी, जिससे शाहपुर क्षेत्र के नागरिकों में काफी रोष देखने को मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बिजली विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने कहा, ये मैंने सुबह अखबार के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया, मैंने शासी अभियंता को बोला है कि अगर ट्रक ने उसको खंभे को तोड़ा है जैसा उसमें अखबार में खबर छपी है, उसके बाद भी ये उनका दायित्व था कि इसको समय से बदल देते। अब मेरे संज्ञान में आया, मैं इसको बदल पा रहा हूँ। सर, आप सुबह सुबह से मतलब पानी के लिए तरफ रहे हैं बिजली ना होने के कारण? नहीं, बेसिकली इसमें तो ट्रक ने या किसी अज्ञात वाहन ने उसको खंभे को तोड़ा है, उसमें हमारी क्या फॉल्ट है, हमारे संज्ञान में आया, उसको हम बदल लें। विद्युत आपूर्ति कब तक बहाल हो पाएगी सर? कुछ मेरे ख्याल से 2 घंटे इसमें लगने चाहिए।